द्वारा के बड़े बड़े ममालिक की जंग में पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज हत्या इधारों और पाकिस्तान के आवाम को इसमें ना उलझाए। किसी ने नहीं सुना Oh!
भाई के जो आना हुक्म है, मैं उन सब से ये दरख्वास्त करता हूं कि खुदा आप जागीरदार वडेरे सरदारों और जो नौ दौलती है सियासत में आने के बाद खरबों रुपए के असासा जात के मालिक बन गए, ऐ मुहद्दब तंजर ले लो और आए साई की आला उखा खुदा रा पाकिस्तान के नाम पे इन चोर उचक्को डाकू का साथ देना बंद कर दे, बंद कर दे, बंद। जागीरदारों को, वडेरों को, सरमायादारों को ना तो पाकिस्तान से मोहब्बत है ना पाकिस्तान के अवाम से। पाकिस्तान गरीब हारी किसान मजदूरों गरीब मुतवस्सितों को ये करप्ट पॉलिटिशियन कीड़े मकौड़े समझते हैं। सैलाब जो आया और जो जारी है, इसमें जहां आसमानी और कुदरती आफत का दखल है वहां इसमें साजिशी अनासिर यानी जागीरदार वडेरे और सरदारों की साजिशों का इंसानी अमल दखल ही शामिल है, जिन्होंने अपनी फसलें अपनी जमीनें अपनी जागीरें बचाने के लिए पुश्तों को तोड़ा और जागीरों पर आने वाले सैलाब का रुख हुआ और सैलाब को रोकने के लिए अपनी जागीरों के आगे पुश्ते बनाए और उसका भाव दहाव पानी का गरीब देहातों गांव गोठों की तरफ कर दिया। आज करोड़ों इतना बीमारी की जिंदगी गुजार रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, औरतें बुलबुला रही हैं, बूढ़े कपकपा रहे हैं, इनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं, इनके जख्मों पे मरहम रखने वाला कोई नहीं। जिन जागीरदारों ने वडेरों ने अपनी अपनी जमीनें बचाने के लिए पुश्ते तोड़े और सैलाब का रुख गांव गोठों देहातों तरफ किया, ये इंसानियत के मुजरिम है, ये पाकिस्तान के जो वही आवाम सैलाब में अब तक हालात भी घर में है, ये उसके जनोसाइड के जिम्मेदार